कल 2 बजे अपने कुछ रिफर होकर आया था जी। इसके गले में सूजन थी काफी गहरी, हफ्ते भर से उसको दिक्कत थी। लड़का यहाँ कितने बजे हुआ आया? 2 बजे आसपास यहाँ पहुँचा। 2 बजे तो उसको मैंने करीब 4 बजे अटेंड किया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेन डॉक्टर डॉक्टर गौरव आ रहे हैं वो छुट्टी होते हैं, तो मैंने ही उसको देखा था आके, उसकी दवाइयाँ वगैरह चालू कर दी। और कुछ देर के बाद एक नाक कान गले और एंटी के भी डॉक्टर देखने आए, तो जिसको भी उन्होंने काफ़ी गर्दन के अंदर देखा और सीरियस मान के उसको हाईलाइट अस्पताल भी रेफर किया, जिसके लिए मतलब कुछ देर बाद थोड़ा बहुत सीरियस होने के कारण उसकी सांस में प्रॉब्लम आई, तो उसको वहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया और सांस की नली के अलावा इंट्यूबेट किया गया, जिसको बहुत नली डाल दी, ऑक्सीजन वगैरह दी गई, लेकिन चूँकि सीलिंग बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसके बाद मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया। कौन से डॉक्टर देख रहे थे, किनके अंदर में बच्चे को इलाज चला? अंदर वाली ये तो मैंने देखा था, और एक डॉक्टर राजेश शर्मा आए थे नाक कान गले। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हुई है। अब ये परिजनों का अपना कहना हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सूजन है, उसको देख के भी बता सकता है सूजन काफ़ी समय से थी, हफ्ते भर से करीब, जैसा वो बता रहे हैं। और दो डॉक्टरों ने उसको यहाँ जाने के बाद 2-3 घंटे के भीतर विजिट भी किया, 2 कंसल्टेंट दिए चुके थे। अब क्या स्थिति है हॉस्पिटल की और उनके परिजनों की क्या मांगे हैं? परिजनों की मांगे कुछ नहीं है, उनका जो खर्चा थोड़ा बहुत हुआ था उसको उनको रिटर्न कर दिया गया है, और कुछ लोगों ने पुलिस में शायद कंप्लेन भी करी थी, तो उनके द्वारा उनको फिलहाल समझा बुझा दिया गया, अब वो लोग कार्रवाई अपना करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है।